सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी केन विलियमसन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 54वां मुकाबला बेंगलोर और हैदराबाद की टीम के बीच में बेंगलोर में खेला गया। आपको बता दें कि यह मुकाबला अपने आप में ही काफी ज्यादा रोमांचक है। एक तरफ जहां हैदराबाद की टीम के पास कुछ खोने को नहीं है तो वहीं दूसरी तरफ बेंगलोर की टीम तो पहले ही आईपीएल के इस टूर्नामेंट की दौड़ से बाहर हो चुकी है, परंतु आरसीबी की टीम भी चाहेगी कि वह अपने इस अंतिम मुकाबले को जीतकर कहीं ना कहीं अपने फैंस को एक छोटा तोहफा जरूर दे सके। दोस्तों अब अगर इस मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें कि कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद हर बार की तरह आरसीबी की टीम की शुरुआत इस मुकाबले में काफी ज्यादा खराब रही, क्योंकि हैदराबाद की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और रिद्धिमान साह ने आज मैदान पर उतरते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। इससे पहले कि दोनों ही खिलाड़ी अपने आप को क्रीज पर सेट करते, दोनों ही इस बात का मन बना चुके थे कि यह आज आरसीबी की टीम के गेंदबाजों की जमकर धुनाई करेंगे। गुप्टिल जहां क्रीज के एक छोर से बड़े शॉट्स लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमान साह का ध्यान था कि वह 2 या 3 रन भागकर जरूर पूरे करें। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी का चौथा ओवर अभी खत्म भी नहीं हुआ था और टीम का स्कोर पहले से 46 के पार जा चुका था, जिसके बाद आखिरकार आरसीबी की टीम को पहला विकेट मिला रिद्धिमान साह के रूप में। गेंदबाज नवदीप सैनी ने इस बल्लेबाज को एक बड़ा शॉट मारने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद उमेश यादव ने उनका यह आसान सा कैच पकड़ लिया। अपनी इस पारी में रिद्धिमान साह 11 गेंदों का सामना करके 20 रन अब तक लगा चुके थे। इसके बाद आरसीबी की टीम को अगला विकेट दिलवाया गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर ने। दोस्तों एक बार फिर से 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने गप्टिल को एक बड़ा शॉट मारने पर मजबूर करा, जिसके बाद वह आरसीबी की टीम के कप्तान विराट कोहली को अपना कैच समा बैठे और कोहली ने भी कोई ना गलती करते हुए इस कैच को पकड़ लिया। गप्टिल अपनी पारी में 23 गेंदों का सामना करके अब तक 30 रन लगा चुके थे, परंतु वॉशिंगटन सुंदर का तूफान आज यही नहीं रुकने वाला था। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मनीष पांडे को भी एक बड़ा शॉट मारने पर मजबूर किया, जिसके बाद डीप मिड विकेट पर तैनात फील्डर हेटमायर ने मनीष पांडे का एक बेहद ही शानदार कैच पकड़ा और इस धुआंधार बल्लेबाज को, जो कि शानदार फॉर्म में चल रहा, उनकी पारी को केवल 9 रनों के छोटे स्कोर पर ही रोक कर रख दिया। दोस्तों आगे चलकर अब हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे कप्तान विलियमसन और विजय शंकर। आज विजय शंकर भी अलग ही गियर में बल्लेबाजी करते हुए दिखे और वह भी 18 गेंदों का सामना करके 27 रन अपने खाते में जोड़ चुके थे। हालांकि फिर आगे चलकर पारी के 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने ही उनका विकेट ले लिया, जिसके बाद शंकर की यह पारी तो 27 रनों पर समाप्त होकर रह गई, लेकिन आज विलियमसन भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के मूड में थे। दोस्तों आपको बता दें कि विलियमसन ने केवल 30 गेंदों का सामना भी नहीं किया था और वह अपनी पारी में 40 रन पहले से ही लगा चुके थे। साथ ही इस दौरान मैदान में बल्लेबाजी में उनका साथ देने आया यूसुफ पठान कुछ खास कमाल न कर सके, जिसके बाद अब केन विलियमसन का साथ बल्लेबाजी में मैदान पर निभा रहे थे मोहम्मद नबी, जिसके बाद दोस्तों विलियमसन के अलावा मैदान में आगे चलकर हैदराबाद की टीम का कोई भी बल्लेबाज इतना ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर सका। परंतु आखिरी ओवर में हैदराबाद की टीम के कप्तान केन विलियमसन ने कुछ इस तरीके की बल्लेबाजी करके दिखाई कि खास तौर पर उमेश यादव तो उसे कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आखिरी ओवर में तो जैसे केन विलियमसन ने छक्के और चौकों की बारिश कर दी थी, उन्होंने अकेले इतनी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए केवल आखिरी ओवर में ही 26 रन अपने नाम कर लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस आखिरी ओवर में एक नो बॉल को लेकर भी काफी ज्यादा बवाल हो गया था और उसका एक अतिरिक्त रन भी मिला, जिससे कि कहीं ना कहीं हैदराबाद की टीम को इस आखिरी ओवर से ही 27 रन मिल गए थे। आपको बता दें कि केन विलियमसन ने इस दौरान केवल 43 गेंदों का सामना करते हुए 70 रन अपनी टीम के लिए जुटा लिए थे। विलियमसन की इतनी तूफानी पारी के कारण ही हैदराबाद की टीम विरोधी टीम को 176 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य देने में भी कामयाब रही। दोस्तों हैदराबाद की टीम की बल्लेबाजी आज मुकाबले में पूरी तरीके से पस्त हो चुकी थी, लेकिन यह केन विलियमसन की धुआंधार पारी है जिसकी वजह से हैदराबाद की टीम आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इतना बड़ा लक्ष्य दे पाई है। लेकिन दोस्तों अब इन सभी तस्वीरों को देखने के बाद आप सभी को क्या लगता है, क्या अंतिम ओवर में यह उमेश यादव द्वारा डाली गई नो बॉल गेंद थी या फिर यह अंपायर की गलती? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।